के साथ। रविवार को दशाश्वमेध क्षेत्र में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े बड़ी संख्या में शहरी स्ट्रीट वेंडरों को भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कोविड-19 बचाव किट एवं खाद्य सामग्री जिसमें बाल्टी, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, साबुन, तौलिया, ब्रेड, जैम, पानी, बिस्किट रखकर वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में प्रथम स्थान स्ट्रीट वेंडरों का है। स्ट्रीट वेंडरों ने जिस प्रकार वैश्विक महामारी में अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए सेवा भाव से अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है वह अद्भुत है। इस वितरण कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से आप सभी से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में निर्धारित तिथि से स्ट्रीट वेंडरों को सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जानी है। आप सभी से अनुरोध है कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं। ताकि सेवा ही संगठन हम मान कर चलते हैं, सेवा ही करना, उसमें जो भी निमित्त इनके छोड़ सकता है, एक बाल्टी, मग, बिस्किट, पानी, सैनिटाइजर, मास्क आदि जो सुलभ हो पाया उसका वितरण अपने ही बीच में करने का जो है सार्थक प्रयास किया गया है। इस वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपसभापति नरसिंह दास, समिति के सचिव अभिषेक निगम, भारतीय जनता पार्टी महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार, अनिल कुमार, लक्ष्मण केसरी, अनूप गुप्ता, शीला देवी, धर्मराज, मनोज यादव, चंद्र श्रीवास्तव, मुन्नी देवी, कुंती देवी, मनोज गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। हम बाबा विश्वनाथ से यही कामना करेंगे कि हमारे जो ठेला पटरी खुमचा वाले रेहड़ी वाले हमारे परिवार के जो बंधु हैं उन्हें आप इतनी ताकत से और अपनी आशीष प्रदान करें जिससे इस महामारी के विषम परिस्थिति से जहां परिवार के भरण पोषण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है उससे निजात मिले और इनका जीविकोपार्जन निरंतर चलता रहे, यही बाबा विश्वनाथ से कामना है। सच के साथ।